के चुनाव से पहले मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और ये बड़ा फैसला है आरक्षण को लेकर। इस फैसले के तहत जो जानकारी अभी मिल रही है, सवर्ण जातियों को 10% आरक्षण दिया जा सकता है। इस बात को लेकर कैबिनेट ने फैसला लिया है और इसे 2019 को देखते हुए एक बड़े फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। कैबिनेट से सवर्णों के आरक्षण को मंजूरी मिली है। 10% ये आरक्षण बताया जा रहा है सवर्ण जातियों को। 2019 से पहले इसे एक बड़े फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। हिमांशु मिश्रा इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। हिमांशु, क्या फैसला रहा कैबिनेट का? देखिए, मैं आपको बता दूं, आज कैबिनेट जो है बुलाई गई और जिस तरीके से बीजेपी को मध्य प्रदेश और राजस्थान छत्तीसगढ़ में चुनाव का सामना करना पड़ा, उसमें एक कारण सबसे बड़ा ये आया था कि SC ST एक्ट के खिलाफ स्वर्ण वोटरों का जो रुझान था वो बीजेपी की तरफ नहीं था। उसके बाद सरकार ने आज ये फैसला लिया कि 10% जो है सरकारी जॉब्स के अंदर जो है स्वर्ण जातियों के लिए जो है आरक्षण रखा जाएगा। यानी कि अब ये कह सकते हैं कि सभी जातियों के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था इस सरकार ने कर दी और ये कह सकते हैं कि 2019 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी का एक बड़ा फैसला हो सकता है और यही एक गेम चेंजर फैसला है। मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं, ये सरकार ने फैसला लिया है आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका फायदा जो है बीजेपी और उसके संगठन दलों को मिलेगा। जी, अब हिमांशु, एक बार और मैं आपसे क्लैरिफाई करना चाहूंगी इस फैसले को लेकर। ये जो फैसला है, इसके क्या मायने निकल रहे हैं? ये कितना, किस हद तक ये असरदार होगा, कहाँ कहाँ ये अप्लाई होगा, इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं? मीनाक्षी, अभी तक हमारे जो सूत्रों ने बताया है कि ये सरकारी जॉब नौकरियों में ही सीमित होगा, लेकिन जिस तरीके से SC ST एक्ट के बाद एक स्वर्ण जातियों का माहौल बना था सरकार के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ, उसको भांपते हुए मोदी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि अब आरक्षण जो है सरकारी नौकरियों के अंदर 10% का जो है वो स्वर्ण जातियों को भी मिलेगा। और किस जाति का कितना होगा ये अभी थोड़ी देर में अगर हम कहें तो सरकार की तरफ से जो सूचना है उसमें शायद क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये 2019 के लिए कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का एक नया गेम चेंजर कदम जो है वो उठाया और शायद इसका फायदा उन्हें बहुत जो है 2019 के चुनाव में मिलेगा। बिल्कुल, और जिस बात की जानकारी हिमांशु दे रहे हैं, 2019 चुनाव से एन पहले इस तरह का ये फैसला सामने आना, ये अपने आप में एक बड़ा कदम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि एक पर्टिकुलर वोट बैंक को साधने की कोशिश। और जिस बात का जिक्र हिमांशु कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में जो एक आंदोलन देखा गया जिसमें दो अलग अलग, चाहे पिछड़ों की बात करें सवर्णों की बात करें, दोनों एक साथ सड़क पर आ गए थे एक दूसरे के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, और ऐसे में क्या वहां से एक मैसेज लेकर आज ये कैबिनेट का फैसला यहाँ पर इस तस्वीर में, इस सूरत में दिखाई दे रहा है? तो हिमांशु, ये भी समझना चाहेंगे, क्या इसको लेकर पहले से विचार हो रहा था? कैसे इस पर एकमत हुए सरकार के मंत्री? किस तरह से इस फैसले की तरफ कदम बढ़े? देखिए, बिल्कुल, सरकार में बहुत पहले भी मंथन हुआ था, पार्टी लेवल से भी मंथन हुआ था, SC ST एक्ट को लेकर एक विरोध हुआ था, कुछ जातियों का वो मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था, राजस्थान में जिसका अटैक दिखा था, उसके बाद सरकार में और पार्टी के अंदर मंथन चलता रहा। और अगर आप याद कीजिए तो रामविलास पासवान जो NDA के सहयोगी दल है उनका हमेशा ये स्टेटमेंट आया कि हम हमेशा कहते हैं कि 15% का जो रिजर्वेशन है वो अपो जातियों के लिए होना चाहिए और सरकार ने उस फार्मूले को मान लिया, 15% ना करके 10% का जो रिजर्वेशन जो है स्वर्ण जाति के लिए रखा है। तो कहीं ना कहीं जो स्वर्ण जातियों की नाराजगी थी सरकार और पार्टी को लेकर वो अब जो है कह सकते हैं कि दूर हो रही है, दूर करने की कोशिश है और इसका फायदा 2019 के चुनाव में जरूर मिलेगा पार्टी को, ऐसा लगता है। क्योंकि 3 राज्यों में जिस तरीके से पार्टी को हार मिली उसका समीक्षा पार्टी और सरकार में हुई और उसके बाद यह फैसला मोदी सरकार ने आज कैबिनेट में ले लिया। बिल्कुल, हम इंतजार इस बात का भी करें कि कुछ एक्सपर्ट्स से बात करें कि इस फैसले के क्या मायने निकलते हैं, इसका असर कहां तक होगा, ये कैसे लागू होगा, इन चीज़ों पर और जानकारी, पुख्ता जानकारी सामने आए। लेकिन हिमांशु, क्या अभी कोई कंफर्मेशन सरकार की तरफ से, कैबिनेट की तरफ से कोई स्टेटमेंट भी आया है इस पर, या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो सरकार की तरफ से कोई कैबिनेट का नहीं आया है, लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं वो फैसला हुआ है और कुछ देर में सरकार की तरफ से जो है वो जारी की जाएगी सरकार की तरफ से डिसीजन को लेकर जो है। और हमारे को जो पता चला कैबिनेट की ब्रीफिंग नहीं हो रही है। जी हिमांशु, अभी तो ये फैसला कैबिनेट का है, लेकिन इस पर आगे और क्या औपचारिकताएं हैं जो होनी जरूरी हैं ताकि ये अमल में लाया जा सके? औपचारिकता है क्योंकि इसको लेकर संसद के अंदर लाना पड़ेगा क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है और रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ इशू है। तो सरकार को जो है वो इस जो बिल के रूप में जो है
वो लाना होगा, दोनों हाउसेज में पास कराना होगा, उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही ये मान्य होगा। लेकिन सरकार की तरफ से एक बड़ी पहल जो है वो की गई है, इसमें अभी बहुत से कह सकते हैं कि कदम बाकी है, लेकिन सरकार ने जो कदम उठाया है वो अपने वोटरों को रिझाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। तीन राज्यों के चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी को हार मिली और स्वर्ण जातियों की तरफ से जो है वो नाराजगी थी पार्टी को लेकर और सरकार को लेकर SC ST एक्ट के बाद, उसको दूर करने के लिए फैसला लिया गया। और मैं आपको बता दूं कि जो हिंदू हार्ट लाइन है नॉर्दर्न इंडिया की, चाहे आप कहिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इसके अलावा उत्तर प्रदेश है, उसमें भी एक बड़ा चंक था जहां पर विरोध किया गया था, लेकिन जिस तरीके का फैसला लिया गया उसका फायदा जरूर सरकार जो है वो 2019 के चुनाव में उठाएगी। भले ही इसको अभी कैबिनेट से मंजूरी ना दे पाए, लेकिन ये जरूर मैसेज देगी कि सरकार जो है स्वर्ण जातियों को लेकर सचेत है और उनको आरक्षण देने के मूड में। और ये एक नया इनपुट जो इस वक्त हमें मिल रहा है मानचो, वो भी अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। दरअसल आर्थिक रूप से कमजोर जो सवर्ण है उनको ये आरक्षण दिया जाएगा 10% का सरकारी नौकरियों में, ये प्रावधान कैबिनेट जो है लेकर आ रही है आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए। तो यहाँ पर ये तस्वीर भी साफ होगी। देखिए आरक्षण को लेकर वैसे ही एक जबरदस्त राजनीति हमने देखी है बीते दौर में और हालिया चुनावों में भी। अब ऐसे में आरक्षण खत्म करने की मांग भी अलग तरह से उठती है और ये बार बार कहा जाता है कि जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, आधार आरक्षण का ये हो ना कि जातीय समीकरण। लेकिन अब सरकार ने जो फैसला लिया है इस बात का ख्याल रखा है और आर्थिक रूप से कमजोर जो सवर्ण है, सवर्ण जातियां, उनको 10% आरक्षण की मंजूरी दी है सरकारी नौकरियों में। हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन का हम अभी इंतजार कर रहे हैं, ये हमारे सोर्सेज, हमारे रिपोर्टर्स से जानकारी हमें मिल रही है। हिमांशु, देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग यहां पर तस्वीर बन रही है। कल के दिन हम देखते हैं जब एक दलितों को खिचड़ी खिलाने का कार्यक्रम होता है दलित वोट बैंक को रिझाने के लिए, और आज के दिन हम एक ही तस्वीर देखते हैं जहां पर जो परंपरागत वोट बैंक है आपका, उसे कुछ सहूलियत दी जाए उसके लिए एक कदम सामने आता है। यानी 2019 के लिए तैयारियां चरम पर है। बिल्कुल मीनाक्षी, 2019 को लेकर पार्टी और सरकार की तरफ से तैयारियां लगातार हो रही है। कल दलितों के साथ महाखिचड़ी का प्रोग्राम किया गया, पार्टी की तरफ से कई कमेटीज बना दी गई, मैनिफेस्टो कमेटी है, पब्लिसिटी कमेटी है और अन्य कमेटियां हैं प्रचार प्रसार के लिए, वो है। और साथ ही साथ अगर आज सबसे बड़ा कदम है, मैं कहूं कि 2019 के चुनाव को ध्यान रखते हुए जो गेम चेंजर है, जो अपने वोटर उनके नाराज से बीजेपी के, उसको रिझाने के लिए जो सरकार का ये फैसला है, इसको संसद से मंजूरी मिलेगी नहीं मिलेगी एक और चीज है। कोर्ट के अंदर अगर संसद से मंजूरी मिल भी गई तो कोई कोर्ट में अगर चैलेंज कर देगा तो उसके बाद क्या सरकार को करना होगा, वो सारी चीजें हैं, क्योंकि ये संविधान के अंदर होगा और ये इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाना पड़ेगा सरकार को दोनों सदनों के अंदर, और उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अगर कोई उसके बावजूद इसको कोर्ट में चैलेंज। और ये बड़ी बात है हिमांशु जो आप कह रहे हैं कि आगे जो औपचारिकताएं हैं, जो ऑप्शंस हैं, वो भी अपने आप में बड़े हैं, लेकिन सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक अपनी तरफ से इसलिए भी क्योंकि सरकार ने अपनी एक इच्छा शक्ति जरूर दिखा दी इस फैसले के जरिए और एक मैसेज अपने वोटर्स को जरूर दे दिया है।